दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ा। तबीयत खराब होने की शिकायत मिलने के बाद उन्हें पश्चिमी दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वो तिहाड़ जेल में बाथरूम में चक्कर आने पर वहीं गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। बीते एक हफ्ते में यह दूसरी बार सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। वर्तमान में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ के जेल नंबर 7 में बंद हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे वो बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिरने से घायल होने पर उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर उनके सारे टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि भगवान सब देख रहे हैं। जो व्यक्ति जनता को अच्छा इलाज और अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज एक तानाशाह उस अच्छे इंसान को मारने पर उतारू है। उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना है। वो केवल मैं रहना चाहता है, वो केवल खुद को देखना चाहता है। भगवान सब देख रहा है, वो सभी के साथ न्याय करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ईश्वर से सत्येंद्र जैन के शीर्ष स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उन्हें इस प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दे। जेल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने के बाद सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर ये बिल्कुल मालूम हो रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है।